और हाईवेज भी इन्वॉल्व है। तो इसका मेन मकसद ये रहेगा कि यदि जब भी एक्सीडेंट होता है तो जैसे पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है तो ये जो दूसरी एंटिटीज और दूसरी जो एजेंसीज है ये अपना काम क्विकली कर पाए और रोड एक्सीडेंट में अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उनको हटा पाए और जो स्वास्थ्य विभाग रहेगा वो ऑलरेडी वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स के जो इन्वॉल्व पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए प्लेटफॉर्म पहले से तैयार रखे रहे। जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और जितने भी जो दूसरी कंट्रीज के ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब कहने का ये है कि जो सन 1994 से जो एक्सीडेंट्स जो स्टार्ट हुए से जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन में इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया है ताकि हम मौतों के आंकड़ों को कम से कम कर सके। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद भविष्य में हम कुछ और स्टेक होल्डर्स जो यूजर डिपार्टमेंट होंगे उनको भी इन्वॉल्व करेंगे जैसे कि ब्लड बैंक, बीमा कंपनियां, जेल की अदालत। तो ये जेल की अदालत और नागरिकों को जोड़ने का एक संशोधन यह रहेगा ताकि आपका जो पेपर वर्क है जो काफी जो अगर आपको ट्रांसफर करने में जो हो जाता है उसको कम से कम कर सके और आप डायरेक्ट जो इनिशिएटिव मतलब जो आपके एप्लीकेशन के थ्रू जो रहेंगे डिटेल्स को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सके। जो एमपी के पूरे डिस्ट्रिक्ट को होल्ड करेंगे जो वो सारी मॉनिटरिंग और सारे एक्शन को प्लान करेंगे। उसके बाद हमारे जिला प्रबंधक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वो सुनील कुमार पाटीदार सर है एएसपी सर। उसके बाद जो नेक्स्ट हायरार्की आती है वो होते हैं थाना प्रभारी स्टेशन हेडमैन और टीआई और एसएचओ जो उनके पास एक अलग लिमिटेशंस और प्रिविलेजेस होते हैं। जो जैसे कि मैंने हुआ तो जैसे कि आपका जो सड़क दुर्घटना के बाद एमवीआई इंस्पेक्शन होता है जैसे कि आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन कहते हैं तो आपको अभी फिलहाल के तौर पे आपको ये पेपर वर्क और ये मैनुअली या फिर ओरल आपको रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप वन क्लिक पे ही आपके स्टेशन एडमिन जो होंगे वो किसी भी रोड एक्सीडेंट में जो भी व्हीकल इन्वॉल्व हुआ उसकी एमवीआई रिक्वेस्ट को अगर रेज करना है वो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।